ये राहुल गांधी जी के प्रभाव में अभय जी जैसे व्यक्ति को क्या हो गया? अभी इन्होंने क्या बोला, 1850 से कांग्रेस की स्थापना का प्रयास चल रहा था। जब बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का बादशाह था तब से कांग्रेस का प्रयास चल रहा था। अद्भुत है भाई, मतलब अद्भुत ज्ञान है, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं होगा। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन चीन को लेकर आप हिंदुस्तान की सरकार की बातों को मानने से क्यों पीछे हट रहे हैं? पेंटागन की रिपोर्ट पे भरोसा है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय भरोसा नहीं है, इसी वजह से आप आज राजनीतिक दृष्टि से पिटते चले जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो सैनिकों को पीटने की बात, भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा की बात कहते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है रूबिका जी, पहले इनके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये राहुल गांधी जी के प्रभाव में अभय जी जैसे व्यक्ति को क्या हो गया? अभी इन्होंने क्या बोला, 1850 से कांग्रेस की स्थापना का प्रयास चल रहा था। जब बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का बादशाह था तब से कांग्रेस का प्रयास चल रहा था। अद्भुत है भाई, मतलब अद्भुत ज्ञान है, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं होगा। जो कांग्रेस वाले अपने को डिफेंड करने में कर सकते हैं। अब आइए वर्तमान में आते हैं चाइना के ऊपर, तो हम यह बात बताना चाहते हैं, चाइना के ऊपर अगर सबसे बड़ी चोट पड़ी है तो चलिए, बहुत लंबा समय नहीं है, आप ये तो बता नहीं पाए कि कांग्रेस का कौन सा नेता स्वतंत्रता आंदोलन में मारा गया, गोली खाया, बड़ा बड़ा नेता अध्यक्ष स्तर, छोटे नेता तो बहुत रहे, राष्ट्रीय स्तर का एक नेता बताइए जो जलवाय जलाल से जेल में रहते थे, जिन 2 साल पंडित नेहरू भी जेल में रहे, किताब लिखने को सेक्रेटरी भी थे, 2 सेकंड नेहरू जी जेल में रहते किताब लिखते थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अच्छा, मैं दोनों को 30-30 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ। अबा जी ना, आप बता रहे हैं कौन कौन, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए। मैं ये पूछता हूँ कि 9 साल पंडित नेहरू बर्तानिया की जेल में रहे, महात्मा गांधी ने आजीवन प्रताड़ना सही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, 1901, 1911, 1925, 1927 सब 25-25, 30-30, 40-40 साल के नौजवान थे। 9 सेकंड उठा ले, मेरे को नहीं रहे, इन दोनों को उठा ले। 9 सेकंड बर्तानिया की जेल में नहीं रहे। अरे आजादी के पहले वंदे मातरम तक इनकी जबान पर नहीं था, नहीं तो अंग्रेजों की जेल में होते ये लोग। आज देश पूछना चाहता है कि जो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा करते हो, आप लोग कहाँ थे ये बताइए। 30 सेकंड सर, आप लोग कहाँ थे? संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 1 साल जेल में रहे, और इसका उल्लेख महाराष्ट्र में आपकी सरकार के समय में, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस पार्टी के साथ। पढ़ के आइए जनाब, उसके बाद आप बात करने का प्रयास करिएगा। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि आप लोग जो थे जेल में रहे, बिल्कुल पंडित नेहरू जलवाय जलाल से जेल में रहे, सेक्रेटरी भी था, खाना खानसामा भी था, और बुरा ना मानिएगा, महात्मा गांधी के लिए ऐसी खबर की बकरी भी उपलब्ध थी, क्योंकि वो बकरी का दूध पीते थे, और सावरकर जो कोल्हू के बैल में पेड़ दिए गए, भगत सिंह जो कोड़े खा रहे थे, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, वो स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, जलवे से जेल में रहने वाले स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। अबा जी, जलवा और जलाल का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन चीन को लेकर आप हिंदुस्तान की सरकार की बातों को मानने से क्यों पीछे हट रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सरकार झूठी है, और चीन के लिए बाकी जो कुछ भी जानकारी बाहर कहीं से आ रही है वो सच्ची है? जी 20 सेकंड। पेंटागन की रिपोर्ट का जो क्यों समूचा, पेंटागन तो छोड़ दीजिए आप, निर्मला सीतारमण ने वेबसाइट से जो वो आपने जानकारी हटाई है उस पर सफाई दे दीजिए। देखिए वेबसाइट पे डे टू डे की भी तमाम चीजें आती रहती हैं, वो सुबेरे से शाम तक हटती रहती हैं, जिस चीज को ये कह रहे हैं, पेंटागन की रिपोर्ट पे भरोसा है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय भरोसा नहीं है, इसी वजह से आप आज राजनीतिक दृष्टि से पिटते चले जा रहे हैं। जो सैनिकों को पीटने की बात, भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा की बात कहते हैं, और उसके बाद और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट पे सवाल सबूत मांगते हैं इसलिए, और फिर पेंटागन की दुहाई देते हैं, अपनी सरकार की और अपनी सेना की सर, बात को विश्वास नहीं करते, इसलिए आपकी